रेडिएशन से बहुत लोग डरते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं पता नहीं रेडिएशन में कोई बिजली के झटके दिए जाते हैं या रेडिएशन में कुछ सेक लगाया जाता है, क्योंकि आम भाषा में लोग इसको सिकाई या हीट या शॉट भी कहते हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। रेडिएशन एक विकिरण है, एक किरण है, जैसे कि एक्सरे होता है वैसे ही एक मशीन से दूर से दिया जाता है, और वो वाले सेल जो कि कैंसर सेल्स होते हैं उस पर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, और जो आसपास के बाकी कण हैं जो कि कैंसर से नहीं प्रभावित हैं उनको बचाया जाता है। तो रेडिएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई झटके या हीट नहीं दी जाती है। फिर रेडिएशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है ये जानना ज़रूरी है। कई बार जब सर्जन ऑपरेट करते हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आती है सर्जरी के बाद की, वो हमें बताती है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण शंका है कि ये बीमारी वापस लौट के आ सकती है। उन सिचुएशंस में हम आपको कहेंगे कि हाँ, इस बीमारी के वापस आने की संभावना को कम करना है तो रेडिएशन देना पड़ेगा। तो रेडिएशन अकेली भी दी जा सकती है, कीमो भी साथ में हो सकता है, किसी किसी को दोनों की आवश्यकता होती है, किसी को केवल एक की आवश्यकता होती है। दूसरी परिस्थिति जहाँ रेडिएशन देते हैं वो होती है जहाँ सर्जरी की ही नहीं गई है, या तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं है या सर्जरी नहीं हो पाती है बीमारी बढ़ने के कारण। उस सिचुएशन में रेडिएशन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है सर्जरी के बाद के मुकाबले में। इसमें भी कुछ लोगों को कीमो होती है, कुछ को नहीं होती है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पे रेडिएशन करते हैं वो होता है कष्ट निवारण के लिए, पैलिएटिव, जहाँ पे मरीज़ को दर्द हो रही है, खून बह रहा है या कोई अंग में कमज़ोरी आ रही है, तो कुछ उस हिस्से पे जो दबाव हो रहा है उसके निवारण के लिए 5-6 रेडिएशन की जाती है ताकि तकलीफ़ कम हो जाए। उसमें रेडिएशन बीमारी जड़ को ख़त्म नहीं करती है पर मरीज़ की ज़िंदगी थोड़ी सी सुखद कर देती है। रेडिएशन करने की बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखें तो लगभग 60% केसेस में कन्वेंशनल रेडिएशन, साधारण रेडिएशन हो पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं सब जगह नहीं है। धर्मशिला नारायणा में हम थोड़ी सी टारगेटेड थेरेपीज़ करते हैं, जिसमें ये ध्यान दिया जाता है कि ट्यूमर वाले हिस्से को ही रेडिएशन ज़्यादा जाए, आसपास के जो इनोसेंट एरियाज़ हैं जिनको रेडिएशन नहीं लगनी चाहिए उसमें रेडिएशन का प्रभाव बिल्कुल ही निम्न हो, शून्य नहीं हो सकता है पर निम्न हो। तो मेनली जो तकनीकें यहाँ की जाती हैं वो सीटी स्कैन करके की जाती हैं, उसको हम 3D कन्फॉर्मल IMRD कहते हैं, जहाँ पे हम पहले एक मुखौटा बनाते हैं जिस हिस्से की विकिरण होनी है, जैसे चेहरे की होनी है तो चेहरे का मुखौटा बनाएंगे, छाती की होगी तो छाती का मुखौटा बनाएंगे। मुखौटा बनाने के बाद एक सीटी स्कैन किया जाता है जिसके ऊपर डॉक्टर्स सारा कुछ प्रमाण से देखते हैं कि यहाँ पे किरणें देनी है यहाँ नहीं देनी है, उस प्रोसेस को हम IMRT कहते हैं। यदि IMRT काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये जानना हो तो हमें एक एडिशनल थेरेपी करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं IGRT। उसमें जिस मरीज़ की थेरेपी हो रही है, जिस मशीन पे वो लेटा हुआ है, उसी मशीन के अंदर एक CT स्कैन की मशीन भी फिट हुई हुई है। तो रेडिएशन शुरू करने से पहले हम एक CT स्कैन करके चेक करते हैं कि मरीज़ कहीं हिला तो नहीं है। जो CT स्कैन मशीन पर किया जाता है और जो पहले दिन हमने प्लानिंग के लिए CT स्कैन किया है वो बिल्कुल आपस में एकदम मेल खाता हुआ होना चाहिए। यदि वो तालमेल नहीं होता है, मशीन हमें बता देती है कि मरीज़ कितने मिलीमीटर किस दिशा में हिला हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं ताकि किरणें बिल्कुल ही टारगेटेड जाएं। इससे दूर 5 या 6 या 10 साल बाद आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। एडिशनली धर्मशिला नारायणा में हमारे पास एक और तकनीक है जिसको हम कहते हैं VMAT। VMAT का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक आँख थेरेपी। उसके तहत जो रेडिएशन है बजाय कि धीरे धीरे 15-20 मिनट में हो, वो एक आर्क के समान बहुत जल्दी हो जाती है। मरीज 5 से 7 मिनट में ही अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। वो थोड़ा और आरामदायक होता है क्योंकि जैसे गले में थूक जमा हो जाता है 5-6 मिनट में, तो वो जल्दी उसको निकलवा पाते हैं। तो VMAT से और भी कुछ प्रभाव हैं जो कम हो जाते हैं, वो है जैसे जो शरीर के दूसरे अंगों को रेडिएशन के कारण कैंसर होने का खतरा हो सकता है कभी कभी, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है VMAT से। तो जो भी तकनीक करें, रेडिएशन एक लंबा प्रोसीजर होता है। सोमवार से शुक्रवार तक डेली ट्रीटमेंट किया जाता है। 2 दिन शरीर को आराम के लिए दिए जाते हैं, जैसे शनिवार इतवार 2 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि शरीर के बाकी हिस्से जिनको किरणों से थोड़ा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो थोड़े से आराम पा लें। कुछ सिचुएशंस में हम रेडिएशन 5-6 हफ्ते ना करके 5-6 दिन ही करते हैं, उसको हम जैसे SBRT या SRT कहते हैं। उसमें रेडिएशन डेली नहीं होता, या सोमवार बुधवार या शुक्रवार कुछ दिन बीच में छोड़ छोड़ के होता है, क्योंकि इन वाली रेडिएशन प्रक्रियाओं में हम बहुत तेज़ किरणें दे रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा आराम चाहिए 2 किरणों की थेरेपी के बीच में।
जब रेडिएशन प्लानिंग की जाती है तो यूजली पेशेंट को हम खाली पेट बुलाते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन किया जाता है, उससे उल्टी आ सकती है। साथ ही जब भी प्लानिंग के लिए आएँ, अपने सारे कागज़ पत्र, सारे ही टेस्ट की रिपोर्टें साथ लेके आएँ, क्योंकि उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेके हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमें रेडिएशन देना है। रेडिएशन जब शुरू हो जाए तो जब जब आपको डॉक्टर ओपीडी में बुलाएं तो चेकअप के लिए ज़रूर जाएं, चाहे आपको कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर आपकी जांच करके देखना चाहते हैं कि आपको किरणें कहीं और तो नहीं चाहिए, या आपकी किरणों की प्लानिंग में कोई तब्दीली तो नहीं करनी है, क्योंकि आप ठीक से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको बताएंगे कब कब आपको खून जाँचें करानी है, और परहेज़ भी बताएंगे, क्योंकि रेडिएशन में काफ़ी परहेज़ रहते हैं। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आप खूब पानी पीजिए, दूध, सूप, लस्सी, जूस, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। साथ ही साथ कुछ चमड़ी के भी ख्याल रखने की चीज़ें बताई जाएंगी कि साबुन, तेल, क्रीम का प्रयोग नहीं करना है। यदि गले में रेडिएशन हो रही है तो रेज़र से दाढ़ी नहीं बनाना है, तौलिया जो है बिल्कुल मुलायम और उसको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना है। ये सारे निर्देश आपको इन विजिट्स में दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो पुस्तिका है जो आपको ओपीडी में दी जाती है, उसमें भी ये सब निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए होते हैं। आप यदि डॉक्टर को बुधवार से बुधवार मिल रहे हैं, पर बीच में आपको लगता है कि कोई तकलीफ हो रही है, तो आपको घर में नहीं बैठना है। हॉस्पिटल के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, या इमरजेंसी में आ सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं इन बिटवीन भी कभी दिक्कत हो तो देखने के लिए। हल्की फुल्की भी कोई तकलीफ हो रही हो तो जो रेडिएशन करने वाला जो टेक्नोलॉजिस्ट है आप उसको बता सकते हैं कि बुखार महसूस हो रहा है या दस्त हो रहे हैं, तो वो डॉक्टर से आपको मिलवा के आपका उपचार भी करवाएंगे और उनसे ये भी एक आज्ञा ले लेंगे कि इस सिचुएशन में रेडिएशन करनी है या उसको थोड़े दिन के लिए विराम देना है। अगर सारी इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो की जाती हैं तो रेडिएशन कंफर्टेबली हो जाता है। किसी किसी को कभी कभी बीच में विराम देना पड़ता है, खासकर वृद्ध मरीज हैं या जहां बहुत बड़े हिस्से को रेडिएशन दे रही हैं या कीमो रेडिएशन साथ चल रहा है, पर अगर पूरा ट्रीटमेंट सही लेते हैं तो ठीक होने की अच्छी गुंजाइश होती है। रेडिएशन के बाद भी डॉक्टर्स आपको कुछ समय के लिए बुलाते रहेंगे ओपीडी में, तो दिखाने आना होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि जो रेडिएशन के कारण प्रभाव या कुप्रभाव आए थे वो समय रहते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आई थिंक अगर ये सब कुछ आप फॉलो करेंगे तो आगे एक अच्छे जीवन की कामना ज़रूर कर पाएंगे। थैंक यू।